मेरा ख्याल है इस आखिरी सीन से आप नजरें हटाकर जरा किताब वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि आखिरी कुछ लम्हे बहुत ही पर्सनल जो होने वाले हैं। मेरी जान, मेरे दिल में अभी तक जो चल रहा था उस फोटो पे जाने का समय आ गया। मैं कहना चाहता हूँ कुछ मत कहो, मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा। ऑनेस्टली तुमने मेरे अंदर दबी हुई सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिश जगा दी है। तुमने मेरे दिल में ऐसे मोहब्बत जगा दी, ऐसे जुनून पैदा कर दिया है जिसके बारे में कभी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है, मैं शादीशुदा हूँ और वो मुझे दिल से प्यार करता है। इस पल में इतनी कमजोर और स्वार्थी हूँ कि मैं खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। अब वो समय आ गया जब हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन जो भी था बहुत अलग था। भाई मैं वाकई तो सच में आप लोग ऐसा मत समझे कि किसी औरत को मैंने पहली बार गले लगाया हो, लेकिन इस बार पासा तो मुझ पे ही उल्टा पड़ता जा रहा है। दिव्या उन औरतों में से है जिससे शादी रचाई जाती है। लेकिन लगता है अब सारी जवानी उसके इंतजार में गुजारनी पड़ेगी और हम दोनों एक उम्र के बाद ही मिल पाएंगे।